नमस्कार, सभी का स्वागत है। बड़ी खबर दरभंगा से आ रही है, जहां पर दरभंगा में बताया जा रहा है कि 20 मई मतदान के दिन दरभंगा के जाले थाना पर, जो मधुबनी लोकसभा क्षेत्र में आता है, धावा बोलकर फर्जी मतदान में पुलिस हिरासत में लिए गए 3 महिला और 1 युवक को भीड़ द्वारा 2 बजे रात में जबरन छुड़ाकर ले जाने का मामला, पुलिस कार्रवाई अब तेज हो गई है। पूरे मामले में पहले ही 4 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। अब फरार सभी 23 नामजद अभियुक्त के घर पुलिस ने इश्तेहार चिपकाया है, ताकि वे जांच में पुलिस के समक्ष उपस्थित हो सके। इसकी पुष्टि खुद दरभंगा के सिटी SP शुभम आर्या ने किया है। वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम संगठन ऑल इंडिया बेदारी कारवा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नजरे आलम ने जाले की देवरा बंदोली गाँव पहुंचे और पुलिस की कार्रवाई पर न सिर्फ सभा और गाँव में जल्द अमन चैन यहाँ बहाल करने की मांग किया है, दरभंगा के वरीय पदाधिकारी से मांग किया है। उन्होंने क्या कहा CTSP शुभम आर्या ने, वो सुनाते हैं, और यहाँ नजरे आलम ने क्या कहा है वो सुनाते हैं। तो ये देख सकते हैं, ये गांव की स्थिति है, जहां पर सभी घरों में ताला दिख रहा है, लोग फरार हैं। और अब ये सबसे बड़ी ये खबर आ रही है कि अगर ये सभी लोग सामने नहीं आते हैं तो इनके घर कुर्की जब्दी की भी बात हो रही है। कुर्की जब्दी हो सकती है, समझ सकते हैं कि अगर ये सभी लोग बाहर नहीं आए तो इनके ऊपर कठोर कार्रवाई की जाएगी। तो वो देख सकते हैं, यही वो दरभंगा का जाले देवरा बंदोली गांव है, जहां की तस्वीर दिखा रहे हैं। हंगामा होने के बाद लोगों पर FIR हुआ, 140 लोगों की खोज पुलिस कर रही है। साथ ही अब बताया जा रहा है कि एक ट्रैक्टर को भी पुलिस खोज रही है कि उस ट्रैक्टर से आखिरकार क्या हुआ था। आप समझ सकते हैं कि उस एक ट्रैक्टर की खोज में जो है पुलिस अब लगी हुई है, ऐसा सामने आ रहा है मामला। देख सकते हैं, ये विशेष कवरेज देखिए, शेयर जरूर करिएगा। जैसे कि आप जान रहे हैं कि जाले थाना कांड संख्या 103 और 104 2024 जो है वो इलेक्शन ऑफेंस के संबंध में, और उसमें हमने माननीय न्यायालय से संपर्क स्थापित करने वारंट पे किया था, और इसके अतिरिक्त इश्तेहार जो है वो कल बरामद हुआ है। ऐसे कुल 23 इश्तेहार हमने प्राप्त किए थे, और उन 23 का विधिवत हमने जो अभियुक्तों के घरों पर उनको तामीला करवाया गया है, और उसमें साक्षियों के समक्ष में उसका तामीला करा के जब हमने वापस अभी कोर्ट में हम उनको समर्पित करेंगे, इसके दौरान उपरांत में आगे की जो कार्रवाई है वो की जाएगी। जाले के संबंध में हमने और भी अन्य कार्रवाई भी किए थे, उसमें कि फोर्स जो वहाँ पे थी प्रॉपर उनका एनालिसिस भी किया था हमने, और इसके उपरांत भी जैसे था कि लोगों से वो भी बोला था कि अगर उनको कोई समस्या लगती है किसी अन्य कारण से भी तो वो हमसे मिलकर अपनी बात को अवगत करा सकते हैं, और अगर केस के संदर्भ में भी अगर किसी को कोई समस्या होती है तो वो हमें बता सकते हैं, हम उसमें आवश्यक कार्रवाई करेंगे, और अगर जाँच भी आवश्यक पड़ती है तो जाँच भी की जाएगी। और उसमें सभी तकनीकी साक्ष्य का भी संलग्न हमने किया है, और अलग उसके अलावा भी मैनुअल इंटेलिजेंस भी हमने प्राप्त की है। तो अगर किसी को कोई भी ये डाउट लगता है कि केस में उनका नाम अगर नहीं होना चाहिए था या उनकी भूमिका किसी तरीके से नहीं है, तो उसको कई हमारे पदाधिकारी हैं, उनसे जांच कराने के लिए, उसमें आगे कार्रवाई करने के लिए हम लोगों ने पहले ही सभी लोगों को अवगत करा दिया गया। मुझे वहाँ जाने के बाद तो लगा कि कहीं वीरान जगह पे हम आ गए हैं, घरों में दुकानों में ताला लटका हुआ है, लोग पूरी फैमिली के साथ गांव छोड़ करके घर छोड़ करके फरार हैं, और जो नामजद अभियुक्त बनाए गए थे उनके घरों पे बेरासी का नोटिस चिपका हुआ पाया, दो चार गिनती के लोग मिले वो भी दहशत में मिले, एक ज़ईफ 82 साल के मिले वो भी रोने लगे। बहुत चिंताजनक और निंदनीय स्थिति है वहाँ की। दरभंगा प्रशासन पता नहीं किसके दबाव में काम कर रही है। लोगों ने साफ तौर पे कहा कि जो 85 नंबर बूथ का मामला है उसके प्रिजाइडिंग से मुकदमा नहीं कराया गया, एक साजिश के तहत 87 नंबर बूथ के प्रिजाइडिंग से मुकदमा कराया गया। कहीं ना कहीं ये भी जांच का विषय है, लेकिन पुलिस हर बिंदु पर जाँच करने से भाग क्यों रही है, किसके दबाव में काम कर रही है, ये सबसे बड़ा गंभीर सवाल है। जो धाराएं लगी 354B है, महिला के साथ छेड़छाड़, आखिर पुलिस वो CCTV फुटेज क्यों नहीं जारी कर रही, क्यों नहीं उसकी सत्यता को सामने ला रही है। अगर वाकई छेड़छाड़ किया है तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि जो भी CCTV फुटेज में पाया जाएगा उसको ग्रामीण लोग
थाना के हवाले कर देंगे।